बाहुबली वो है या बाहुबली आप है? भारत की संस्कृति का उन्हें क्या पता है भारत की में क्या संस्कृति थी? ये तो नौटंकी दिखा रहे उसको, जिस दिन फिल्म दिखाएंगे उस दिन तो नारा ही पढ़ ले रखे, दाढ़ी नहीं कटेगी, इतना इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत कैड़ा है ये मोदी, इतना गिरफ्तार नहीं होगा, चलता रहे। जय जवान जय पहलवान। खाप पंचायतों द्वारा दी गई अवधि का आज अंतिम दिन है। वहीं पे ब्रिजभूषण का सामने बयान आता है कि ब्रिजभूषण शरण ने ये बात बोली है कि बार बार पहलवान जो हैं अपने मेडल की वापसी की बात कर रहे हैं, तो उन मेडलों की कीमत सिर्फ 15 रुपए से ज्यादा नहीं है, लौटाना ही है तो वो राशि लौटाइए जो करोड़ों में वो घर लेके गए हैं। क्या कहेंगे ताऊ? बेटे वो राशि उसने अपने घर से दे रखी है क्या? करोड़ों रुपए घर से दे रखेंगे? हम पर ब्रिजभूषण से नहीं पूछना चाहते हैं, ब्रिजभूषण से एक ही बात पूछना चाहते हैं, तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारी इज्जत के साथी हैं और हर भारतवासी अपनी बेटियों की इज्जत का साथी होता है। लेकिन ब्रिजभूषण जैसे महाबली, क्या बोल रहा महाबली? अरे तू महाबली है, कोई तो प्रोग्राम देखा अपना महाबली का, कोई तो ढंग देखा, कोई तो कारण देखा। ऐसे ऐसे महाबलियों को तो बेटे कभी कहता है मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, कल एक गुंडा भेज रहा क्या था और पहलवानों धरना उठाओ। ये सरकार या पुलिस प्रशासन का काम है उनको रोकना, उनका कर्म है हमारे धरने को खराब करना, लेकिन हम होने तो नहीं देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने दो। क्यों? नहीं 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 क्यों, हम शांत तो आप तो भोले वाले किसान हो, भोले वाले पंचायत के और गांव के लोग बैठे हैं, हैं काहे को मुको इनते लड़ाई ले होता। अच्छा बेटी भोले वाले, हाँ ठीक है तेरी बात हम बहुत बड़ी करा, हाँ अगर ब्रिजभूषण आपके ऊपर हाथ डाले हम डालने देंगे। बोला वाला ही किसान इस बात का रोखाली होता और उन इज्जत का क्या मेरा बेटा? उन बता मोदी का कोई बालक नहीं, बीबी नहीं और कुछ नहीं, उन्हें क्या बेरा भारत में, भारत की संस्कृति का, भारत की संस्कृति का उन्हें क्या पता है भारत की में क्या संस्कृति थी और क्या है उस इस भारत में वह संस्कृति थी। हम अपनी बेटी बेटियां की इज्जत करा कर दे अपने, तुम तो बेटी काली भी हो, दुर्गा भी हो, सावित्री भी हो, सावित्री भी हो, द्रौपदी भी हो और झांसी की रानी भी हो, क्या फैसला लेती है पंचायत महापंचायत होंगे और वो क्या फैसला लेते हैं और क्या वो फिर हमारे को संदेश देती है। और फिर देखना बेटा बाहुबली वो है या बाहुबली आम है। जहाँ पे आंकलन ये लगाया जा रहा बात का कि धरना जो है वो अब रामलीला मैदान और बॉर्डरों पे जाएगा, अगर मतलब नहीं नहीं बेटी अब धरना दिल्ली में रहेगा, दिल्ली में है वो रामलीला मैदान। रुक भाई हम ना बेटी हम तो जहाँ गड़ी जाते हैं उड़े गड़े ही रहते हैं, रामलीला मैदान का होगा वो देखा जाएगा, यहाँ का हम तो कोशिश तो यही रखेंगे हमारा धरना यही रहेगा, यही रहेगा बेटे बेटे रोड जाम कर देनी के लागे धमाका ना फिर करवा देगा, इलेक्शन आएगा ना ये फिर धमाका करवा देगा मोदी, जैसे 40 जवान मरवा दिए मलिक साहब ने बोला, जवान मरवा दिए मिलिट्री के वो भी हमारी देश की जो सुरक्षा करते हैं वो लोग, तो फिर कुछ भी कर सकता है, देखी जाएगी कुछ भी कर सकता है इसका, अरा, भी भरोसा अरा मेरा इसको कोई मुसलमान नहीं, कोई सरदार नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, इसके लिए इसको चाहिए गद्दी। मेरा वीर बात सुन, इसकी गद्दी तो गई, इसकी तो गद्दी गई, कहाँ है गद्दी? बैठा है गद्दी पे, ले तुमने यहाँ बैठा दिया और तेरा मुंह में बोल नहीं हो, क्या है तू गद्दी वाला, क्या है तेरे पास गद्दी का? वो चीज नहीं है ना उसपे है, क्या तेरे पास वो चीज नहीं है उसपे, उसके औलाद नहीं है इसलिए उस पे वो चीज नहीं है। अरे मेरे वीर है कहाँ वा जापान जा रहे हैं 3 दिन के दौरे पे, हाँ हाँ यहाँ भारत में तो बेटियों की शोषण हो रही है और वो भारत वो बाहर जा रहा है, क्या दिखाओगे वहाँ 3 दिन में देश को प्रेजेंट करने जा रहे हैं ताऊ।
10% युद्ध देश तो अपना हाथ परसेंट होगा और उसका क्रिएशन नहीं होता। क्या लग रहा है कि मतलब अब जो है ना ऐसे बैठे रहेंगे 6 महीने तक साल भर तक चलता रहेगा जैसे किसान आंदोलन? नहीं बेटे, देखते हैं क्या होता है। फिल्म कुछ और ही होगी। ये बदमड़ा है, ये नौटंकी, ये तो नौटंकी दिखा रहे उसको। जिस दिन फिल्म दिखाएंगे उदन तो न्यारा ही खेल होगा, उदन तो न्यारा ही खेल होगा बेटे। बहुत केड़ा है ये मोदी सरदारों ने वो संभाला था किसान रैली। सरदार जहाँ नहीं वहाँ कोई हड़ताल नहीं, कोई कुछ नहीं, सरदार ही संभालते जाएंगे। जहाँ मेरे का ध्यान दे, सरदार हमारे हैं, हम सरदारों के हैं। तो तू यह बात कैसे कर रहा सरदार ही संभाल? सरदार ऐसी कौम है जो हर चीज देती है, हर चीज देती है, समर्थन भी देती है, खाना भी देती है, पीना भी देती है। अच्छा भाई मेरी सुन बात, हर चीज है। सरदार किसके है? हमारे भाई है। और हम सरदारों के भाई है। अकेले अकेले से कुछ नहीं होता, सब जुटेंगे ना सारे कामों में। अब यहाँ तो कभी वो कहता था एक जात की बेटियां हैं, एक अखाड़े की बेटियां हैं, एक जात बैठी है। यहाँ तो बेटी 36 जात बैठी है, 36 बिरादरी बैठी है। और देश के हर कोने से, ये नहीं अगर हरियाणा है पंजाब है नहीं, और हरियाणा पंजाब तो बेटे जिस दिन ऊपर जाओगा खेल भैयो। हाँ, हरियाणा पंजाब तो एक ऐसी चीज है बेटे, पंजाब और हरियाणा ये पुराना जो यू था पंजाब, ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी एक पंजाब था, और अब भी वही एक पंजाब इकट्ठा हो गया। हो जाएगा नहीं हो गया, हरियाणा पंजाब नहीं सारा देश एक हो गया, पूरा देश एक। फिर भी एक ब्रिजभूषण जो है उसको गिरफ्तार नहीं करवा पा रहे, नाड़ी कैसे होगा, क्या कब तक चलेगा ये? चलता रहेगा, इतना गिरफ्तार नहीं होगा, इतना गिरफ्तार नहीं होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। भारत माँ का झंडा जो है आप लेके घूम रहे हो, बताओ अगर वो दिखाना चालू कर देना एक मिनट में गिरफ्तार हो जाए। सिर्फ ये बिकाऊ मीडिया जो लोगों को भ्रम कर रहा है, हर देश सारे देश में भ्रम फैला रहा है, ये नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया, ये उसका जिम्मेवार है। नेवतुड़ी का गिरफ्तार हो जाता अगर सच्ची खबर दिखाई जाती है। मतलब जो है वो पंचायत जब बैठेगी तो उसका फैसला देखना दिलचस्प। हाँ देखो बेटे, उस फैसले के हमें इंतजार है, क्या फैसला देती है पंचायत और क्या होता। अगर आर पार का फैसला ले लिया तो आर पार है बेटे, और ठंडापन का फैसला ले तो ठंडे बैठ के अपना काम चलाएंगे। हमको बाल नहीं कटेंगे जी, ये बाल नहीं कटेंगे, इतना न्याय नहीं मिलेगा, बाल नहीं कटेंगे, दाढ़ी नहीं काटी जाएगी, दाढ़ी नहीं काटी जाएगी, इतना न्याय नहीं मिलेगा। ये मतलब प्रण ले लिया, प्रण ले लिया, प्रण जी प्रण ले रखे, दाढ़ी नहीं कटेगी, इतना इंसाफ नहीं मिलेगा। द्रौपदी का चीरहरण उनका ब्यो तो है, पिता माँ भी सब वहीं बैठे थे, वहीं बैठे तो उनसे चुप रहे थे, मौन रहे थे। तो वही मौन यू मोदी हो गया। इस मोदी ने न्यू सोच लेना चाहिए, अगर मौन हो रहे काम नहीं चलेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, और मुंह खोलने में काम नहीं चलेगा। और इस बात का हम अपनी बेटियों को न्याय दिवाएं। जो क्या कहता 15 रुपए का मेडल, अरे क्या, अरे ब्रजभूषण तेरे को सर, तू तो पूरा प्रधानमंत्री की भी बेइज्जती कर रहा है। फिर तू तो प्रधानमंत्री की भी बेइज्जती कर रहा है, और मेडल की नहीं, और खिलाड़ियों के नहीं, तन तो पूरा प्रधानमंत्री की भी, राष्ट्रपति की भी, हर चीज की बेइज्जती कर दी एक आदमी ने। तो बेटे देखते हैं कितनी गान मोन रहता है। और जय जवान जय पहलवान। ये ताऊ से बात हुई, ताऊ ने देखो जब बता दिया, मैं ताऊ की तरफ एक बार बताऊंगी, वाकई में ही हौसला देखिए, नंगे पैर खड़े हैं ताऊ यहाँ पे, और ये भी प्रण ले चुके हैं कि दाढ़ी भी जो है वो तब तक नहीं कटेगी जब तक जो है अब फैसला नहीं आएगा, इंसाफ नहीं होगा। हम आपको दिखाते रहेंगे पल पल की अपडेट, देखते रहिए, बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।